जी दोस्तों सत श्रीकाल जी सारे नूं हो सारे ठीक ठाक जी ते अज मैं ते अंकल जी हुणी ते आंटी जी असी दुखनिवारण साहिब गुरुद्वारा साहिब आया जी मत्था टेकण ते आ देख सकदे हो तुसीं दर्शन बहुत वधिया होए ने जी लंगर छकिया हां जी हां ते प्रसाद छकिया ते इधर गुरुद्वारा साहिब आ जी दुखनिवारण साहिब गुरुद्वारा साहिब बहुत सोहणे दर्शन होए आ जी ते आ तुसीं देख सकदे हो ते आ अंकल जी ते आंटी जी ने गए ते इन्हां दी बजौत नाल मैं भी अज इत्थे मत्था टेकण आ गया सी इन्हां नाल ते बहुत वधिया लग्या जी बहुत सोहणा गुरुद्वारा साहिब आ ते मैं पहलां भी एक वारी आया सीगा अंकल आंटी होणां नाल बहुत सोहणा लग्या जी पिछे देखो जी सरोवर जी दुखनिवारण साहिब गुरुद्वारा साहिब जी सब दुख दूर होंगे सारे दुख दर्द सब दूर होंगे ने जी आओ तुसी भी जरूर मत्था टेक के जाओ आया करो जी पंचमी का इशनान बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ जी हाँ मैं पहला पंचमी नूं आंदी हुंदी सी आई हाँ जी हरेक पंचमी आंटी जी आउंदे हुंदे सीगे इत्थे ते बहुत वधिया जी इत्थे सारा हाँ जी आ लंगर हाल आ जी गुरुद्वारा साहब विच हाँ जी सारे जाने आया करो जी मत्था टेकन जी ते चंगियां गल्लां सिखो मत्था टेको जी बाणी पढ़िया करो रोज़ ठीक है जी सारे दुख दर्द परमात्मा आप ही दूर करूँगा जी ते हुण असीं जा रहे हैं जी ठीक है जी मिलते हैं जी फिर अगले ब्लॉग दे विच ते की कहना चाहोगे आंटी तुसीं जी मैं तो कहूंगी यही इत्थे आके सब अपने मन पवित्र करो हाँ जी दुखां दूर करो अमृत छको हाँ जी ते लंगर छको ते अपने मन नु पवित्र करो सही गल है जी बिल्कुल सही गल है जी दुखां दा खात्मा हुंदा इत्थे आके हाँ जी हाँ जी हाँ सही गल है जी यही कहूंगी आके सारे आया करो हर पंचमी पे बिल्कुल सही गल है जी ठीक है जी दोस्तों फिर मिलते हैं जी फिर सत श्री अकाल जी।